सॉन्ग मतलब यू से कहता है, तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं था, है ना? यू तुरंत ही जवाब देता है हाँ, मतलब कि यू सॉन्ग मतलब से प्यार नहीं करता। सॉन्ग मतलब अभी यू से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए भी यू एकदम रेडी है और वो सोच रहा था कि सॉन्ग मतलब आगे उसे क्या पूछेगा। तभी सॉन्ग शाह वहाँ पे यू के लिए खाना लेके आ गया और वो यू को कहने लगा कि बुखार आना और बेहोश होना वो तो कॉमन बात है, डोंट वरी, तुम्हें भूख लगी होगी ना तो मैं तुम्हारे लिए पॉरिज लाया हूँ, जल्दी से खा लो इसे। यू कहता है अंकल शाओ मुझे इस बारे में ऑलरेडी पता है, मतलब कि यू को C20 वायरस के बारे में पता है। तो सॉन्ग शाओ को यू के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है कि यू एकदम ठीक है। सॉन्ग शाओ तुरंत ही सॉन्ग वाला उसे पूछता है क्या तुमने उसे बताया। सॉन्ग वाला कहता है आज नहीं तो कल, उसे पता चलना ही था। और सॉन्ग वाला ने ली शुन से कह के एक प्राइवेट प्लान अरेंज करवाया था ताकि इस दोपहर ही वो यू के साथ शंगटन सिटी वापस चला जाए। यू सॉन्ग शाओ से पूछने ही वाला था कि आप क्या करोगे, लेकिन तुरंत ही सॉन्ग वाला कहता है वो भी हमारे साथ चलेंगे। और वो सॉन्ग शाओ की ओर देख के पूछता है क्या आपको कोई दिक्कत है। सॉन्ग शाओ कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर सॉन्ग वाला को किसी का कॉल आ रहा था तो वो बाहर चला गया। फिर सॉन्ग शाओ यू का टेम्परेचर चेक करके कहता है अभी भी तुम्हें थोड़ा बुखार है और डरो मत, तुम्हें C20 वायरस नहीं हुआ होगा, तुम ठीक हो। फिर वो अपने हाथों से उसे पॉरिज खिलाने लगा और उसने यू को बताई दिया कि मैंने तो पहली नजर में ही तुम्हें पहचान लिया था, मतलब कि यू सॉन्ग वालाओ का बॉन्डिंग पार्टनर है। ये सॉन्ग शाओ को पहले से ही पता था क्योंकि सॉन्ग शाओ को सॉन्ग वालाओ के बारे में सब कुछ पता था, मतलब कि जो बाहर के लोगों को पता होती है वो सारी बातें। सॉन्ग वालाओ और यू की शादी वाले दिन की फोटो भी सॉन्ग शाओ के पास है। यू कहता है आपको उसके बारे में पता था कि वो कहाँ पे है तो फिर आप उसके पास क्यों नहीं गए, वो हमेशा ही आपको बहुत ज्यादा मिस करता रहता था। लेकिन सॉन्ग शाओ उस बारे में कुछ भी नहीं कहता तो यू भी फिर उससे नहीं पूछता। फिर 5 बजे वो लोग मैनशुई से प्राइवेट प्लेन लेकर शंगटन सिटी पहुंच गए। सॉन्ग वाला ने यू को हॉस्पिटल बेड से उठाया और उसे अपने प्राइवेट प्लेन में रखा, वहां अंदर एक डबल बेड था तो यू आराम से सो सकता था। फिर वो लोग जब शंगटन सिटी पहुंच गए तब भी सॉन्ग वाला उसे उठाकर कार तक ले गया और फिर सीधा वो लोग गए हॉस्पिटल में। वहां पे लुओ मैंगबाई ने यू का चेकअप किया कि सच में उसे C20 वायरस है या नहीं। फिर जब उसकी लैब रिपोर्ट आ गई तब लुओ मैंगबाई उसे कहने आई थी, तब सॉन्ग वाला भी उसके पीछे पीछे आ गया। लुओ मैंगबाई यू के पास बैठ गई और कहती है शाओ यू आई एम सॉरी, रिजल्ट दिखा रहा है कि तुम्हें C20 वायरस हो गया है। ये सुनते ही सॉन्ग वाला ने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया। यू कहता है इसका मतलब अब मेरे पास कुछ ही महीने है ना। लुओ मैंगबाई कहती है क्या तुम भूल गई कि मैं किस बारे में रिसर्च कर रही थी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। यू कहता है मैं 1-2 साल और नहीं जीना चाहता। वो अपने एब्डोमेन पे हाथ रखता है और कहता है मुझे बस अगले 4 महीने जीना है, मतलब कि 4 महीने में ही उसका बेबी आने वाला है तो उसके बाद फिर वो मर जाए तो कोई बात नहीं। ये सुनकर सॉन्ग वाला बाहर चला गया और एक जोर की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि सॉन्ग वाला ने गुस्से से कुछ तोड़ दिया हो। लुओ मैंगबाई यू से कहती है मैं मेरा बेस्ट दूंगी। फिर उसने यू को C20 वायरस के सारे प्रिकॉशंस बता दिए और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो सब कुछ बता दिया। उसके बाद फिर वो सॉन्ग शाओ को अपने साथ ले गई उसके घुटने चेक करने के लिए, मतलब सॉन्ग शाओ पहाड़ी से गिर गया था तो उसके घुटने में चोट लगी है ना। यू अब सोच रहा है कि वो अब मरने वाला है। वो अपने हाथ पे जो चैंगपिंग का दिया हुआ घाव था उसे देख रहा था जो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे रिकवर हो रहा था और वो सोच रहा था कि अब मुझे बेकर सर्टिफिकेट वापस मिलेगा या नहीं। वैसे भी वो मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन अब भी जब मैं मेरे मास्टर से मिलूंगा तब मैं अपना सर उठा के बिना किसी रिग्रेट्स के उससे मिलना चाहता हूँ। मास्टर मतलब जो सुमिरन बेकरी का मास्टर था वो, शाइन पिंग का फादर। तभी सॉन्ग वाला अंदर आया और वो अपनी पॉकेट में सिगरेट बॉक्स रख रहा था और यू को उसके पास से काफी ज्यादा स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी तो वो कहता है ज्यादा स्मोकिंग करना अच्छा नहीं है, लेकिन सॉन्ग वाला बिना कुछ कहे वहाँ पे बैठ गया। तभी यू की नजर उसके हाथ पे पड़ी। सॉन्ग वाला का हाथ इंजर्ड था, उसके नकल्स पे ब्लड लगा हुआ था तो यू को पता चल गया कि जब उसने कहा था कि मैं अब 4 महीने ही जीना चाहता हूँ तब जो बाहर से जोर की आवाज सुनाई दी थी तब सॉन्ग वाला ने कुछ तोड़ा नहीं था बल्कि उसने अपने हाथ को ही स्मैक किया था। सॉन्ग वाला उस हाथ को अपने दूसरे हाथ से कवर करता है और कहता है कुछ दिनों के बाद जब तुम थोड़े स्टेबल हो जाओगे तब मैं तुम्हें वीजिन माउंटेन पे वापस ले जाऊंगा, मतलब कि घर वापस ले जाऊंगा। यू कहता है ओके। फिर यू सो गया था और सॉन्ग वाला भी उसके पास ही बैठा था। वो यू के फोरहेड को टच करता है और देखता है कि उसे अब बुखार है या नहीं और वो यू के लिए बहुत ज्यादा वरीड था। आपके लिए एक सवाल, यू एक बेबी को बर्थ देने वाला है ना, तो आपको क्या लगता है वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी?